दोस्तों अभी हम लोग टोंटो प्रखंड आए हुए हैं और टोंटो प्रखंड में ये जितने भी कार्डधारी हैं ये टोंटो प्रखंड के सबसे ज़्यादा दूरी पर रहने वाले जिरजोर गांव जो बुंडू पंचायत के अंतर्गत आता है वो ग्रामीण है और करीब ये 22 की संख्या में है। और हम लोग देखेंगे तो ये राशन कार्ड है और ये राशन कार्ड में इनको जो है ये पूरा खाली है और इसमें हम लोग देखेंगे ये पूरा खाली है, लेकिन इससे पहले मिल रहा था ये देखेंगे। तो इस तरह का सारे लोगों का ये 22 कार्डधारियों का एक समस्या है। तो डीलर है ना तुम? संग्राम लागुरी, डीलर का नाम है संग्राम लागुरी। और ये समस्या को लेकर के हम लोग BDO साहब को एक महीना पूर्व कंप्लेंट दिया था और इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इनको जो है राशन नहीं मिल रहा है, इन पर जांच किया जाए और जो दोषीवार अगर डीलर दोषीवार है तो उसको कार्रवाई हो और इनको बकाया राशन दिया जाए। तो मेरा कहना है कि ये पिछले 5 साल का से इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान में कोरोना काल में जो देश महामारी से गुजर रहा है और इस महामारी में सरकार का सख्त निर्देश है कि गरीबी, कोई भी गरीब जो है भूख से न मरे, और इसके लिए सारे लोगों को यहाँ तक कि उसका राशन कार्ड भी नहीं देखना है। अगर वो गरीब है तो मुखिया उसको अनुशंसा करेगा और गरीब को देखते हुए उनको राशन देना है। तो यहाँ पर राशन कार्ड भी बन चुका है, राशन कार्ड बनने के बाद भी जो पिछले 5 साल से लगातार राशन नहीं मिलना और ऊपर से ये कोरोना काल जो 20 से 21 ये 2 साल अभी हम लोग देख रहे हैं, 2 साल गुजरने जा रहा है, उस दौरान भी अगर ये डीलर के द्वारा हो या तो वहाँ के मुखिया के द्वारा हो, अगर इन गरीबों को राशन नहीं उपलब्ध कराना ये सरकार का आदेश का उल्लंघन है और एक गरीब को इस महामारी में भूखे छोड़ देने का स्थिति है। तो ऐसे स्थिति पर हमारा संगठन मांग करता है कि आज ये बहुत दूर से एक गाड़ी बुक करके करीब 1500 रुपया भाड़ा और अलग से तेल का खर्चा दे करके ये बेचारा गरीब जो लकड़ी दातुन यमन किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को बेच करके अपना गुजारा करते हैं, तो वो लोग भाड़ा ला करके ये लोग आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास न्याय के लिए आए हुए हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आज हम इन लोगों से कहना चाहते हैं हमारे संगठन की ओर से इन लोगों को मदद करते हुए कि आप लोगों का जब तक ये फैसला नहीं होता है तो आप लोगों को आज अगर रुकना पड़े तो रुकना होगा और हम अपना घर पर इन लोगों को रोके रहने के लिए देंगे, लेकिन इसका समस्या का समाधान के लिए हम लोग मांग करेंगे। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जो बुंडू पंचायत का जो मामला है ये टोंटो प्रखंड का सबसे किनारे जो आपका नोमंडी प्रखंड से सटा हुआ है, तो इस पंचायत में अगर आप देखेंगे तो सारे लोग कहीं ना कहीं से लकड़ी और दातुन या तो किसी भी तरह से चीज़ को बेच करके ही जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है, जो सरकार का योजना है जिसके तहत लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने का योजना है, अगर इस क्षेत्र में देखेंगे तो मनरेगा योजना भी पूरी तरह से फेल है और जो लोग मनरेगा योजना में काम किए हैं तो आज तक उन लोगों को भी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति पर एक तरफ जो सरकारी योजना है उस योजना का यहाँ पर जो है लाभ नहीं मिलना और जिस तरह से पंचायत चुनाव होने के बाद जो आम ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो योजना है, जो मनरेगा योजना है या बाकी योजना है, तो ये बुंडू पंचायत के लोग जिस तरह से कटे हुए हैं ये चीज़ एक गंभीर मामला है। और इस को देखते हुए टोंटो BDO जो है अविलंब कार्रवाई करे, अगर नहीं कार्रवाई करते हैं इसका मामला को नहीं सुधार करते हैं तो हम लोग 15 दिनों बाद प्रखंड कार्यालय में या तो जिला मुख्यालय उपायुक्त महोदय के पास हम लोग धरना करने को मजबूर होंगे। मैं जोन मिरन मुंडा, अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा केंद्रीय अध्यक्ष।